नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बीते दिन मुख्य सचिवालय में चली नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 14 एजेंडों पर मुहर लग गई है, जिसके तहत इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। यह बैठक शाम 5 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कैबिनेट की मीटिंग को लेकर पहले ही अधिकारियों को सूचना दी गई थी, जिसके तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर जिला में नौगछिया कटरिया स्टेशन के बीच स्थित LC नंबर 11 SPL के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क ऊपरी पुल और पहुंच पथ के निर्माण के लिए 41 करोड़ 65 लाख में से 21 करोड़ 92 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सासाराम जिला में पहले जा करवंदिया स्टेशन के बीच स्थित LC नंबर 36C किलोमीटर 559/15-17 के बदले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 62 करोड़ 28 लाख में से 41 करोड़ 26 लाख स्वीकृत किए गए हैं। बक्सर जिला में चौसा गहमर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC नंबर 78A के बदले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 42 करोड़ 63 लाख में से 22 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन की तरफ से मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नए 132/33 kV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन ग्रिड उपकेंद्र और 132/33 kV के नए GIS ग्रिड उपकेंद्र मीठापुर से ग्रिड उपकेंद्र करबिघिया के लिए अंडरग्राउंड संरचना लाइन के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने देसी शराब और तारी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब परिवार और अन्य अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के आजीविका के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है। इसके साथ ही बिहार पंचायत चुनाव के अवसर पर मतपत्रों के मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से आम निर्वाचन 2016 के दर और अनुबंध में उल्लेखित शर्तों पर नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई तकनीक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीक परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की नियुक्ति को 1 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा गत पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 नवंबर 2017 तक बकाए वेतन को लेकर 1,18,10,00,000 रुपए व्यय की स्वीकृति और चालू वित्तीय वर्ष में 60,54,71,000 के अतिरिक्त बिहार आकस्मिक निधि से 57,55,71,600 रुपए की अग्रिम स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249,76,00,000 विमुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही सासाराम सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार अनुपस्थित थे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।